हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रक्टर भी एक काइंड ऑफ मेथड होता है। इसका भी सेम वही नाम होता है जो आपका क्लास नेम होता है। ये भी ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आप किसी तरह का कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। इसको आप एक ही बार डिफाइन कर सकते हो और साथ ही में इसमें किसी तरह का आप मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडिफायर्स 3 तरह का होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो वो यूज आप नहीं कर सकते। जिस तरह कंस्ट्रक्टर का यूज आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए करते हो, डिस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हो। मतलब सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, उसको मेमोरी मिली, कंसोल पे आपको चीजें दिख गई, लेकिन मेमोरी में वो अभी तक पड़ी हुई है। तो उस मेमोरी को रिलीज करने के लिए आप डिस्ट्रक्टर का यूज करते हो। इससे आपका अननेसेसरी मेमोरी का लॉस नहीं होता है। और डिस्ट्रक्टर जब आप यूज करते हो तो उसमें टिल्ड साइन लगाना होता है। तो ये हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो डिस्ट्रक्टर रहेगा, डॉट सीपीपी, एंटर। हेडर फाइल से इंक्लूड करना है तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड लेना है तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया, मेन मेथड लेना है तो इंट मेन किया। एक क्लास बना लेते हैं तो क्लास के यहां पे लिखा क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं तो कंस्ट्रक्टर लिया, एंटर कर्ली ब्रैकेट। यहां पे आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर लिया, क्योंकि इसका नाम सेम वही रहेगा जो आपका क्लास नेम रहेगा। तो क्लास नेम हमारा कंस्ट्रक्टर है तो ये भी आपका कंस्ट्रक्टर होगा। अब डिस्ट्रक्टर आपको यूज करना है तो डिस्ट्रक्टर के लिए भी आप सेम नाम लोगे तो यहां पे कंस्ट्रक्टर लिया कर्ली ब्रैकेट और यहां पे आपको दे देना है टिल्ड साइन। तो ये साइन बेसिकली आपको टैब बार के ऊपर मिलेगा। तो ये ले लिया, यहां पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। तो सी आउट यहां पे आप लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, ईएनडीएल, और इसी को आप कॉपी करके यहां पे ले सकते हो कंट्रोल वी, और यहां पे आप ले सकते हो डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। अब यहां पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कंस्ट्रक्टर लिखा, ऑब्जेक्ट एस वन लिया, इक्वल्स टू यहां पे आप ले सकते हो कंस्ट्रक्टर, और एक चीज और आपको यहां पे करना है, पब्लिक कीवर्ड देना है। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन इन्वोक्ड और उसके बाद डिस्ट्रक्टर इन इन्वोक्ड, ये प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप डिस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो यदि आपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो डिस्ट्रक्टर के लिए सिंपली आप टिल्ड साइन देख के इसको यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।